झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले हड़ताली निगम कर्मियों ने शनिवार को निगम कार्यालय से एक रैली निकाली। इस दौरान अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। बताया गया कि बीते मंगलवार से गिरिडीह नगर निगम के कर्मचारी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। अपनी मांगों को लेकर चौथे दिन भी हड़ताल निगम कर्मचारियों का जारी रहा। हड़ताल की वजह से शहरी क्षेत्र में सफाई अभियान पूरी तरह से ठप हो गया है, वहीं कार्यालय का कामकाज पूरी तरह से बाधित है। इधर हड़ताल के चौथे दिन नगर निगम कार्यालय में अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। यह रैली निगम परिसर से बड़ा चौक, कालीबाड़ी और टावर चौक होते हुए नगर भ्रमण करते हुए पुनः नगर निगम परिसर में सम्पन्न हुई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता फेडरेशन के जिला मंत्री लखन हरिजन और संचालन साबिर अंसारी ने किया। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर निगम कर्मी राज्य सरकार पर जमकर बरसे। हड़ताल को संबोधित करते हुए मृत्युंजय सिंह ने कहा कि कई बार सरकार से निगम कर्मियों के मांगों को लेकर वार्ता की गई, लेकिन सरकार द्वारा वादा खिलाफी की गई। उन्होंने कहा कि कई बार लिखित समझौता होने के बाद भी निकाय कर्मियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। महासंघ के नेता श्री सिंह ने कहा कि विगत कई वर्षों से नगर निगम कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं। इस दौरान सरकार के द्वारा कई बार कर्मचारियों की मांग पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन कर्मचारियों की मांग अभी तक अधूरी है, इसलिए कर्मचारियों ने हड़ताल करने का निर्णय लिया है। हड़ताल के दौरान महिला व पुरुष दोनों कर्मचारी बैठे हुए हैं। इस बाबत कहा कि जब तक उन लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। मौके पर मृत्युंजय सिंह, लखन हरिजन, शंभु सिंह, श्रीकांत यादव, सुभाष शर्मा, विकास यादव, आकाश सिंह, राजा हाड़ी, मोहन वर्मा, बबलू हाड़ी सहित कई नगर निगम कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं।